मेरे साथ है कुंवरजी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा और एंजल कमोडिटीज के एवीपी रिसर्च अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है। अनुज, गुड मॉर्निंग। क्रूड में आपकी स्ट्रैटेजी अभी क्या होगी? हम हल्की सी बढ़त के दायरे में आते हुए देख रहे हैं क्रूड को। गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो क्रूड में हमने देखा था कल जो इन्वेंट्री थी अनएक्सपेक्टेडली 5 हफ्ते के बाद कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से क्रूड में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम लेवल वाइज देखें तो $54 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट ने कल करेक्ट किया है, मगर अगर हम ओवरऑल देखें तो जो भाव है वो अभी भी $52 के ऊपर सस्टेन किए हुए हैं। मुझे लगता है कि इंट्राडे में मार्केट थोड़ा एक रेंज बाउंड रहेगा, बट जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा पॉजिटिव साइड में हो सकता है, क्योंकि जो हम देखें डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जनवरी में जो ये प्रोडक्शन कट करने जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव रहेगा क्रूड के प्राइसेस के लिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में अपनानी चाहिए। और सोने और चांदी पर अनुज, आपका व्यू क्या है अभी? ये इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पे वो कम हो सकती है 10% से 6%, तो एक वो नेगेटिव है मार्केट के लिए, हो सकता है उससे भाव नीचे आते हुए दिखाई दें। साथ में अगर हम देखें तो अब गोल्ड 27,000 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, और अगर हम कॉमेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी जो भाव है करीबन 1130 के आसपास चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही परस्पेक्टिव गोल्ड के लिए अभी सेलिंग ही इंडिकेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गोल्ड में इंट्राडे के लिए भी बिकवाली करनी चाहिए, नीचे टारगेट करीबन 26,800 से लेकर 26,750 तक दिखने को मिल सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सब्ड्यूड रहेगा क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक में काफी हॉलीडेज रहेंगे, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो सेलिंग साइड में ही होगा। और चांदी में? और चांदी में अगर देखें तो $16 के नीचे अब भाव आते हुए दिखाई दिए हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं ऊपर। और इवन अगर हम देखें तो बेस मेटल भी कहीं ना कहीं कुछ करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो सिल्वर जहां पहले आउट परफॉर्म कर रहा था गोल्ड के कंपैरिजन में, अब बेस मेटल की वजह से सेलिंग सिल्वर में आती हुई दिखाई दी है। और भाव अगर हम देखें तो 39,000 के आसपास मार्च कॉन्ट्रैक्ट में सिल्वर में देखने को मिले हैं। ओवरऑल अगर देखें तो सिल्वर भी मुझे लगता है कि थोड़ी करेक्ट हो सकती है नीचे, अगर हम टारगेट को देखें इंट्राडे में तो करीबन 38,500 तक, और कॉमेक्स में करीबन 15.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और मेरे साथ कुंवरजी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा भी जुड़ चुके हैं। रवि नमस्ते, बताइए एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर किन कमोडिटीज पर है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, मेरे दो सलाह रहेगी, एक बाय एंड एक सेल के। मुझे यहाँ से कॉटन कॉम्प्लेक्स अच्छा दिख रहा है, कॉटन कॉम्प्लेक्स में जिस हिसाब से लगातार इंटरनेशनल मार्केट में जो बाइंग प्रेशर बना हुआ है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रुझान होना चाहिए। उसमें कोकोड है जो कपास खाली वो आपको बाय करना है, जिसका इमीडिएट टारगेट 2000 तक हो सकता है एंड जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1920। तो मुझे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे कोकोड बाय करने का मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। सेकंड कॉल मेरा सेल जो भी सरसों उसमें सेल का रहेगा, क्योंकि लगातार सरसों के प्राइजेस में प्रेशर बना हुआ है। हिस्ट्री भी देखे तो नवंबर दिसंबर एंड जनवरी ये 3 महीने में लगातार आरएमसी है सरसों, उसके प्राइजेस में 25-30% तक का एक लोअर लेवल दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए एज वेल एज इंट्रा डे के लिए भी सरसों बेचा जा सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 4290 एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 4100 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में सरसों में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा एक बाय एंड एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, और सेल सरसों में है जनवरी वायदा, और साथ ही में कपास खली में रवि कह रहे हैं कि खरीद की गुंजाइश अभी वो देख रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 1995 के, और सरसों में बिकवाली की सलाह। अनुज, नेचुरल गैस आप इसे ट्रैक कर रहे हैं, क्या आज आपको क्या एक्शन दिख रहा है, किन लेवल्स पर आपकी नजर है? और देखिए नेचुरल गैस में भी ट्रेंड हमने पॉजिटिव देखा, हमने हालांकि हमने लास्ट वीक में कुछ करेक्शन आते हुए देखा था, बट मुझे लगता है कि काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। इवन अगर हम एक्सपेक्टेड है कि जो क्रूड नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है वो कुछ कम होकर आ सकती है, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। करंटली जो भाव है करीबन 242 के आसपास चल रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से अभी बाय इनिशिएट करना चाहिए, टारगेट ऊपर 248 तक देखने को मिल सकते हैं। और बेस मेटल्स में आपकी कोई पिक है क्या? आज हमने देखा कि बहुत ही गिरावट के साथ शुरुआत हो रही है, सारे बेस मेटल्स ने आज लाल निशान में ओपनिंग दी है। बेस मेटल में मुझे लगता है कि जिंक में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है, हालांकि सभी बेस मेटल नीचे की तरफ आए हैं, बट सेलिंग साइड के लिए मुझे लगता है कि जिंक में बिकवाली कर सकते हैं, नीचे टारगेट 173 तक देखने को मिल सकता है। ओके, सो जिंक आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर, और जिंक में सेल की सलाह दे रहे हैं आपको अनुज। रवि, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ग्वार गम और ग्वार सीड, इन दोनों में हमने कल अच्छी खासी तेजी देखी है, इस पर अभी आपका व्यू क्या है? गुआर गम एंड गुआर सीड की जो कल की तेजी थी थोड़े एक शॉर्ट कवरिंग का पार्ट ही था। मुझे लग रहा है कि
ट्रेंड एक वीकनेस ट्रेंड में बने हुए है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यू कैन शॉर्ट एट करंट मार्केट प्राइस ऑल्सो। व्हाट पेज में शॉर्ट का रिकमेंडेशन रहेगा अभी से? एंड जिसका स्टॉप लॉस है वो रहेगा 3280। मुझे लग रहा है कि एक या दो ट्रेडिंग सेशन में 3120 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर जो भी एग्री कॉमोडिटीज है जिससे डोमेस्टिक फैक्टर्स का काफी ड्रैग करते हैं, तो उसमें एक नेगेटिव रुझान बना रहेगा। तो मेरा गुआर सीड में एंड गुआर गम दोनों कमोडिटीज में अभी व्यू बेरिश है। अनुज, रुपया रिकवरी नजर आ रही है आज जिस लेवल पर शुरुआत हुई है, डॉलर के करेक्शन का यहाँ फायदा मिलते हुए, अभी आप किन लेवल्स पर नजर बनाए हुए हैं? देखिए, करंटली जो कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वो 67.86 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट ओवरऑल जिस तरह हमने लास्ट वीक एक बाउंस बैक देखा था, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो सकता है। टारगेट एक्सपेक्टेड है 68 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट रेंज में रहेगा तो एक या दो दिन में मुझे लगता है कि ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल हमारा जो आउटलुक है वो इसमें डेप्रिशिएशन का रहेगा। हमें लगता है कि डॉलर में बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। और इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद। रवि दियोरा और अनुज गुप्ता मेरे साथ थे, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग में बता रहे थे कि किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। आप दोनों का धन्यवाद, वक्त निकाला आपने हमारे शो के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही समय चौहान जुड़ने वाले, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप।